Good morning students, welcome to DSS online classes. Today we are going to solve our next exercise 10.3 in mensuration. बच्चों इस exercise में हमें area निकालना सीखना है, तो इसके लिए हमें कम से कम दो formula याद रखना होगा कि आप जानते हैं square क्या होता है, ऐसा polygon जिसके चारों sides equal हो, चारों साइड्स इक्वल हो, ऐसा क्वाड्रिलेटरल चार साइड्स से घिरा हुआ स्ट्रक्चर जिसके चारों साइड्स मान लो ए बी सी डी हैं, इसके चारों साइड्स इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ठीक है ना, सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये चारों साइड्स इक्वल हैं, देन इसका एरिया एरिया कितना ही कवर करेगा हमें ये पता होना चाहिए. तो एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी साइड इंटू साइड क्या होता है, सारे साइड इक्वल है, ठीक है ना, साइड इंटू साइड, ठीक है, जब साइड इंटू साइड कर रहे हैं तो हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, साइड का स्क्वायर. अगर हम मान लें लेट इफ अगर हर साइड ए यूनिट का है, यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर, तो इसका इफ साइड इज इक्वल टू ए देन एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर, ठीक बच्चों. तो ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जो भी यूनिट होगा उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जैसे मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, दो बार हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है. तो स्क्वायर का एरिया जो होता है उसके किन्हीं भी दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इक्वल होते हैं, दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका हमको एरिया पता चल जाएगा. अब हमें रेक्टेंगल के बारे में जानना होगा, रेक्टेंगल आप जानते हैं जिसके आमने सामने के साइड्स इक्वल होते हैं वो रेक्टेंगल होता है. आमने सामने के साइड से क्या तात्पर्य है, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो ये जो मान लो साइड है इसका ये लेंथ हो गया, ये वाला साइड जो है लेंथ है, और ये आपका मान लीजिए ब्रेथ है, क्या है ये ब्रेथ है, ठीक है. तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके आमने सामने लेंथ दोनों और दोनों ब्रेथ इक्वल होते हैं इसको हम रेक्टेंगल कहते हैं बच्चों, ठीक है. अगर ये इसका पूछा जाए कितना एरिया कवर कर रहा है, कितना क्षेत्रफल घेर रहा है, तो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू बच्चों एल इनटू बी, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट, जो भी यूनिट होगा, मान लो मीटर है तो स्क्वायर मीटर या मीटर पर स्क्वायर, ऐसे भी आप कह सकते हैं. यूनिट मतलब लेंथ का यूनिट आप जानते ही हैं, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर, ये सब लंबाई नापने का यूनिट होता है, और जो भी यूनिट होगा उसके ऊपर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा, लेंथ इज ब्रेथ स्क्वायर यूनिट, ब्रेथ को हम ब्रेथ भी बोलते हैं बच्चों, ओके. अब हम इस 10.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेंगे और नोट भी कर लेंगे, ठीक है, इसी फॉर्मूले से हमारे इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे. लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर वन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, पहला है का ए, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, क्या है बच्चों, फर्स्ट का ए क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हूज साइड्स 3 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे साइड्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर दिया है ना, तो हम मान लेंगे इसमें से एक साइड लेंथ होगा उसका, लेंथ ऑफ द
3 सेंटीमीटर है मान लो, ठीक है, और ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल मान लिए 4 सेंटीमीटर है, ऐसे ही ना होगा फिगर, सपोज यही ये हमारा मान लीजिए समथिंग लाइक इस तरह का फिगर है, ठीक है, क्योंकि ब्रेथ ज्यादा चौड़ा लंबा दिख रहा है, लेंथ छोटा है, तो इस तरह का जो फिगर हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया और ये 3 सेंटीमीटर हो गया, और क्योंकि रेक्टेंगल है तो आमने सामने की साइड इक्वल होंगे, तो ये भी 4 है तो ये भी 4 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा निकाल लेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल्स क्या हो जाएगा बच्चों 3 × 4, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है कि नहीं, 3 × 4 होगा कि नहीं, ये लेंथ है ये ब्रेथ है अगर, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिखेंगे, 3 × 4 = 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये याद रखिएगा जब भी एरिया निकालेंगे तो उसका जो यूनिट आएगा उस पे स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक है, ये आपको याद रखना, यानी जब भी कोई रेक्टेंगल हो उसका एरिया निकालना है हमें तो उसके दोनों साइड्स लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो जितना भी एरिया कवर किया है वो हमें पता चल जाएगा, और उसका जो यूनिट आएगा उस पे हम क्या करेंगे स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है, तो इसे आप ध्यान से देख लीजिए। अब फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, डी, जो डी क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है देखिए, क्योंकि ये डिफरेंट है कुछ इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, बी और सी को आप स्वयं करेंगे, जैसे बी में आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, सी में आंसर किलोमीटर स्क्वायर आएगा, जो भी मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद जो यूनिट है उस पर स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, देखिए डी क्वेश्चन, 2 meter × 70 centimeter दिया है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो लेंथ मान लेंगे लेंथ, अब हम डायरेक्ट करते हैं लेंथ इज इक्वल टू 2 meter दिया है, ठीक है, अब ब्रेथ कितना दिया है 70 centimeter, एक बात बताइए कभी भी यूनिट सेम होना चाहिए तभी हम किसी भी फिगर का एरिया निकाल सकते हैं, तो ये 70 centimeter में है, क्या है ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में इसको मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं क्या हो जाएगा 70/100, क्यों 70/100 किए हैं, बिकॉज़ 1 meter = 100 centimeter, तो 1 centimeter में कितना मीटर 1/100, 1/100 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, यानी 100 से इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 0.7, 0 डेसिमल के बाद 0 लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता उस नंबर पे, तो 0.7 मीटर आ जाएगा, 70 सेंटीमीटर या फिर 0.7 मीटर सेम चीजें हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालेंगे सिंपल, क्योंकि यूनिट सेम हो गया दोनों का, मीटर हो गया ये भी मीटर हो गया, लेंथ और ब्रेथ दोनों का यूनिट क्या हो गया सेम हो गया, और एरिया निकालेंगे एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ठीक है बच्चों, इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू 2 × 0.7, 2 × 7 = 14, डेसिमल कितने प्लेस पे है 1 प्लेस पे है, 1 point, यहां 4 से 1 प्लेस पहले यहां डेसिमल हम लगा देंगे बच्चों, क्योंकि डेसिमल 1 प्लेस पे है, अगर 2 प्लेस पे रहता तो 2 प्लेस पहले लगाते, ये बात आप याद रखिएगा, और मीटर पर स्क्वायर एरिया हो जाएगा 1.4 मीटर पर स्क्वायर, इसको चाहे तो हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हमारा इसका डी पार्ट हो गया। लेट्स सी आवर सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बच्चों सेकंड क्वेश्चन में भी हमारा बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट के और सारे पार्ट्स आप स्वयं करेंगे, खुद ही करेंगे आप, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है बहुत इजी है, देखिए
सेकंड का मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊंगा और सारे आप सेकंड का एक पार्ट देखिए, जैसे कि 10 सेंटीमीटर तो हमारा क्या दिया है, साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना दिया है, इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया कि नहीं, कितना दिया है हमसे, एरिया पूछा है, मान लो बच्चों कोई भी स्क्वायर है, बच्चों मान लो कोई स्क्वायर है बच्चे, इसके सारे साइड्स को इक्वल होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, मान लो होते हैं, ये भी 10 सेंटीमीटर है, 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 तुम जानते हो मैंने तुमको फार्मूला बताया है एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड टू साइड, साइड टू साइड, साइड ऑफ द स्क्वायर क्या दिया 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इनटू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 10 जा 100 और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हुआ तो सेंटीमीटर स्क्वायर यानी स्क्वायर सेंटीमीटर भी लिख सकते हो, मैंने बोला ना एरिया का यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है, वो आपको याद रखना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा इस स्क्वायर का, इसके बी और सी पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है बच्चों। मैं थर्ड क्वेश्चन का आपको बता देता हूँ, थर्ड भी आप कर लेंगे फिर भी मैं बता देता हूँ आपको, देखिए थर्ड में भी ये पता करना है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया, ये आप खुद करेंगे, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, बिकॉज मैंने आपको अभी बताया है कि रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो ये जो तीनों ए बी सी आपका दिया है इन तीनों का आप पहले एरिया निकालिएगा और देखिएगा तीनों के ए बी सी में, थर्ड के ए बी सी में कौन सबसे बड़ा है तो वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कि वो सबसे लार्जेस्ट एरिया कवर कर रहा है और जो सबसे छोटा हुआ तो आप लिख दीजिएगा लेंथ, सपोज 17 मीटर एंड 3 मीटर लार्जेस्ट एरिया कवर कर रहा है तो आप लिख दीजिएगा लेंथ 17 मीटर एंड 3 मीटर हैज लार्जेस्ट एरिया, रेक्टेंगल कवर लार्जेस्ट एरिया, इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है, ये आप खुद करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया कैसे निकालना ये भी बता दिया है, ठीक है बच्चों। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, लेट्स सी आवर फोर्थ क्वेश्चन, देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर गार्डन इज 50 मीटर लॉन्ग इज 300 स्क्वायर यूनिट, यहां देखो मान लो एक रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है बच्चों, गार्डन रेक्टेंगल के शेप का गार्डन है, इसका लेंथ दिया है 50 मीटर और ये जो एरिया कवर कर रहा है ना, ये एरिया जो कवर कर रहा है, ठीक है, ब्रेथ हमको नहीं पता, ब्रेथ हमको नहीं पता, लेंथ हमें पता है 50 मीटर, ठीक है, और इसके द्वारा एरिया जो कवर कर रहा है क्या दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या दिया, रेक्टेंगुलर गार्डन क्या दिया है बच्चों, 300 दिया है कि नहीं, 300 स्क्वायर मीटर, ठीक है, मैंने बोला है ना एरिया स्क्वायर मीटर होता है, तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन बच्चों हम जानते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ होता है और हमें निकालना है क्या, ब्रेथ, तो हम लिख देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ कितना है 300, लेंथ हमारा दिया है 50, ब्रेथ हमको पता करना है 300 अपॉन 50 नहीं हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है बदल जाएगा तो क्रॉस डिवाइड करेगा, आप जानते हैं कि कोई भी चीज का मल्टीप्लाई करता है तो इक्वेशन इक्वल टू का साइन है, चाहे ग्रेटर देन या स्मॉल देन, तो उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा, डिवाइड कर रहा है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, प्लस हो रहा है तो अदर साइड में जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो अदर साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, पता है नहीं आपको कि 50 क्या होगा 300 के नीचे जाएगा, क्या होगा 300 के नीचे जाएगा, 0 0 कैंसिल, 5 6 यानी 6 मीटर, ब्रेथ क्या आएगा, ब्रेथ क्या आएगा बच्चों बताइए, ब्रेथ क्या आएगा 6 मीटर आएगा, ठीक है।
ठीक है, ये आपको याद रहेगा हमारा ब्रेथ, इसकी ब्रेथ ऑफ द, देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, रेक्टेंगुलर गार्डन इक्वल टू 6 मीटर, कितना आएगा 6 मीटर, ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। समझ में आया आप सभी को क्वेश्चन? ओके ठीक है, लेट्स सी अवर फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कैसे होगा। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन था, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया? ओके लेट्स सी अवर फिफ्थ क्वेश्चन। चलो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 500 मीटर लॉन्ग एंड 200 मीटर वाइड। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है ना, 500 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा, ठीक है ना, और उसको टाइलिंग कराना है, टाइल्स उस पर लगवाना है, तो उस पर कितना कॉस्ट आएगा अगर पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 8 रुपया है बच्चों, तो उसका कितना कॉस्ट आएगा? देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए रेक्टेंगुलर क्या है, प्लॉट है, ठीक, इसका लेंथ हमें 500 मीटर दिया है, ठीक है बच्चों, अब तो इतना समझ गए हैं, ब्रेथ हमारा कितना दिया है 200 मीटर, ठीक, ये मान लीजिए ये भी 500 हो जाएगा, ये भी 200 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो बोल कह रहा है 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 8 रुपया आता है, तो इस पूरे प्लॉट का है कितना रुपया लगेगा, तो हम पहले तो एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट मैंने आपको लिख दिया है, तो डायरेक्ट मैं कर सकता हूँ, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 500, ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू 200, मैं यहाँ पे एरिया को लिख रहा हूँ, एरिया ऑफ द प्लॉट, ठीक, एरिया ऑफ द प्लॉट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द प्लॉट इंटू ब्रेथ ऑफ द प्लॉट 500 इंटू 200, 2 by 10, ठीक है, 0000 4 0 बढ़ा देंगे, स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर, ये हमारा एरिया ऑफ द प्लॉट है। अब एक बात बताइए बच्चों, ठीक है ना, एक स्क्वायर मीटर टाइलिंग कॉस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, 1 स्क्वायर मीटर टाइलिंग, बच्चों आपके बुक में भी लिखा है टाइलिंग कॉस्ट ऑफ द प्लॉट, ऑफ द प्लॉट कितना लग रहा है बच्चों, 8 रुपया, यही ना दिया है, एक बात बताओ कितना स्क्वायर मीटर में कितना लगेगा, जब 1 स्क्वायर मीटर का इतना है, इसलिए 10,000 स्क्वायर मीटर आया है हमारा एरिया पूरे प्लॉट का, 10,000 स्क्वायर मीटर टैगिंग कॉस्ट ऑफ द प्लॉट क्या हो जाएगा बच्चों, 8 into 10,000, ओके, तो क्या हो जाएगा 80,000 रुपया, इतना हमारा कॉस्ट पड़ेगा 10,000 स्क्वायर मीटर, 80,000 रुपया हमें लगेगा, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों, आप इसे नोट कर लीजिए और समझ लीजिए मैंने क्या बताया है, एरिया ऑफ द प्लॉट पहले हम निकाले हैं, हमें पता है कि मान लो 1 स्क्वायर मीटर का ये खर्चा 8 रुपया लग रहा है, तो टोटल इसका एरिया का कितना खर्चा लगेगा, तो एक में जो 1 स्क्वायर मीटर प्लॉट का 8 रुपया लग रहा है, तो टोटल स्क्वायर मीटर का निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं, डायरेक्ट एक का इतना है, आपको पता है जैसे कि एक टॉफी का अगर 2 रुपया देते हैं तो 5 टॉफी का आप कितना देंगे, 5 into 2 देंगे कि नहीं देंगे, वैसे 1 स्क्वायर यूनिट
कॉस्ट जो पड़ रहा है 8 रुपया है, तो 10,000 स्क्वायर मीटर का कितना कॉस्ट पड़ेगा, 8 × 10,000 कर दिए हम, निकल गया कुछ। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, समझ आया आपको? ओके, आई थिंक आपको समझ में ये क्वेश्चन आ गया है बहुत अच्छे से। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आवर सिक्स क्वेश्चन इज दैट अ टेबल टॉप मेजर 2 मीटर एंड 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हाट इज इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर। एक टेबल टॉप है बच्चों जो 2 मीटर लंबा है, ठीक है, और इसका ब्रेथ दिया है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो हमें बोला है इस टेबल टॉप का, टेबल का जो ऊपरी भाग है टॉप है, इसका एरिया कितना कवर कर रहा है स्क्वायर मीटर में बताना, यानी जो सेंटीमीटर है उसको भी मीटर में हमें बदलना पड़ेगा, तब जाके तो हम एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, ठीक है। हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल टॉप जो कि दिया है मैंने यहाँ पे लिख दिया है 2 मीटर, ठीक है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल टॉप भी 1 मीटर 50 सेंटीमीटर बच्चों आपके क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर को मैं मीटर में बदलूंगा और 1 मीटर में ऐड करूंगा, तभी ना मीटर में कन्वर्ट होगा। मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं उसमें 100 से डिवाइड करते हैं, जब हम 50 में 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेस आगे आएगा क्योंकि 2 जीरो है 1 के आगे, जब भी 100 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर में डेसिमल 2 प्लेस पहले आ जाता है उसकी, जब भी 1000 से करते हैं तो 3 प्लेस पहले आ जाता है, जैसे 50 है ना ये 0.5 हो जाएगा क्योंकि डेसिमल यहाँ पे छिपा रहता है जो कि यहाँ आ जाता है, ठीक है ना बच्चों, याद रखिएगा। तो ये 1 मीटर प्लस 0.5 मीटर हो जाएगा, ये 1 प्लस 0.5 कितना होगा 1.5 मीटर, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ से, लेंथ हमारा 2 मीटर था, ब्रेथ हमारा 1.5 आया है, 2 मीटर इनटू 1.5 25 आप 15 हो गया 30, और डेसिमल 1 प्लेस में लगा देंगे 0 के प्लेस पहले, 3.0 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया हो जाएगा बच्चों, ऐसे हम निकालेंगे इसे। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कैसे कि हमको 6 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसी तरह से मैं आपको 7th और 8th में से कोई एक क्वेश्चन, आई थिंक मैं आपको 8th क्वेश्चन बता देता हूँ, 7th आप खुद ही करेंगे, दोनों एक ही तरह का है, उसके बाद मैं आपको 9th क्वेश्चन बता देता हूँ। लेट्स सी आवर 8th एंड 9th क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको 8th क्वेश्चन बताऊंगा, लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये जो हमारा 8th क्वेश्चन है इसमें ये बोलना है लेंथ ऑफ एक फ्लोर का 5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द फ्लोर l इज इक्वल टू 5 मीटर, जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। ब्रेथ ऑफ द फ्लोर b इज इक्वल टू 4 मीटर है, ठीक है, और उस पे कारपेट बिछाया जा रहा है 3 मीटर जिसका साइड है स्क्वायर के सेट का, क्योंकि लेंथ जो है फ्लोर का 5 मीटर है, ब्रेथ जो है फ्लोर का वो 4 मीटर है, तो टोटल एरिया जो है फ्लोर का, क्योंकि फ्लोर एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है, तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल l इनटू b होता है बच्चों, तो लेंथ इनटू ब्रेथ हो जाएगा, तो 5 इनटू 4 हम करेंगे तो 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में है दोनों, तो मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर, पूरा जो जमीन पूरा जो फ्लोर है उसका एरिया 20 स्क्वायर मीटर हो जाएगा। अब हम जो देख रहे हैं साइड ऑफ द स्क्वायर कारपेट 3 मीटर दिया बच्चों, ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर कारपेट क्या हो जाएगा, स्क्वायर कारपेट है स्क्वायर के शेप का है, मैंने आपको क्या बताया एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड इनटू साइड होता है, 3 × 3 हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 9 मीटर स्क्वायर साइड जो उस पे कारपेट बिछाया जा रहा है उसका एरिया हो गया 9 मीटर स्क्वायर, और टोटल फ्लोर का एरिया 20 मीटर स्क्वायर आया हमारा, तो हमारा बचा हुआ जो फ्लोर है वो कितना रहेगा, जो उस पे कारपेट बिछा है उस पूरे फ्लोर के एरिया में से माइनस कर देंगे, वही ना फ्लोर बचेगा जिस पे कारपेट बिछा है, हम क्या करेंगे द एरिया ऑफ द फ्लोर दैट इज नॉट कारपेटेड, फ्लोर का वह एरिया क्षेत्रफल जो नहीं जिस पे कारपेट बिछा है वो क्या होगा, टोटल जो फ्लोर का एरिया माइनस उस पे जितना कारपेट बिछा है वो 20 माइनस 9 11 मीटर स्क्वायर, यानी 11 मीटर स्क्वायर फ्लोर जो है उस पे कारपेट नहीं बिछा है,
ये हमारा 8th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन आप खुद ही पढ़ के इसी तरह का है, याद करेंगे बच्चों, जिसमें दिया है एक रूम है 4 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर 50 सेंटीमीटर वाइड। तो पहले तो आप इन दोनों को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को आप कितना मीटर कह सकते हैं, 3.5 मीटर, ठीक है। इसको मीटर में आप बदल दीजिएगा, 50 सेंटीमीटर में 100 से डिवाइड कर दीजिएगा और 3 में ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ कारपेट इज नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द रूम। अब उस पूरे फ्लोर को कवर करने के लिए कितना कारपेट लगेगा, इसी के एरिया के इक्वल लगेगा। तो इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, जो एरिया आएगा उतना ही कारपेट लगेगा। तो ये आप खुद ही करेंगे अपने घर पे, ठीक है। 9th क्वेश्चन भी मैं पढ़ देता हूँ। 5 स्क्वायर फ्लावर बेड्स ईच ऑफ साइड 1 मीटर आर डग ऑन अ पीस ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग एंड इतना मीटर वाइड, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अगर आप चाहें तो इसको आप खुद ही कर सकते हैं, अदरवाइज ये बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये भी उसी तरह का है। नहीं तो मैं आपको पीडीएफ में सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके मैं आपको पीडीएफ के थ्रू भेजूंगा कुछ क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व, ये जो सारे क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में सॉल्व करके समझाया है, इसी बेसिस पे और सारे क्वेश्चंस होंगे। 10th क्वेश्चन और आपका 11th और 12th क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चन का मैं आपको एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के भेज दूंगा। आई थिंक वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं वीडियो फिर बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान से आप तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और 10.2 जो एक्सरसाइज है उसका मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, क्योंकि वो जो है एक्सरसाइज उसके लिए ग्राफ की जरूरत है। जनरली आपको 10.1 और 10.3 एक्सरसाइज एग्जाम के लिए मेनली अच्छे से पढ़ना है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।